बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मसल्लिवसल्लिम वबारिकला सैयदना मोहम्मद वाला अली वसहबी अजमैन। आप लोग देख सकते हैं मस्जिद अल कू का मनाजिर है जो कि ताइफ में मौजूद है, और ये हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल मस्जिद है एक पुरानी, और ये वो इलाका बेसिकली जहाँ पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ में जब फ़र्स्ट टाइम आए थे तो ताइफ के लोगों ने, उस वक्त के जो कुफार थे उन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को पत्थरों से बेदबी की, गुस्ताखी की, नबी पाक के साथ बहुत ज़्यादा एक बुरा सलूक किया था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इस मस्जिद में आए और ये जो सामने पत्थर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आके हुजूर ने स्टे किया और इस जगह पर आके मतलब बैठे थे। तो ये जो पत्थर है इसके ऊपर निशान भी क्या सुर्ख सा बताया गया जाता है कि यहाँ पे नबी पाक अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे थे, हुजूर का खून मुबारक इस पत्थर पे लगा था, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब नबी पाक ने दुआएं की फिर भी ताइफ वालों के लिए, और जितने भी शुरू के अंदर मसले मसाइल तंगियाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए, हुजूर ने कभी भी बदवा वाला मामला नहीं किया। और ये अंदर से मनाजिर है मस्जिद के, इधर से बड़ी खुशबू आ रही थी जब हम गए, तो पुरानी तारीखी मस्जिद है उसी तरह से। लेकिन ये बात जहन में रखें, सारी बात का या इस मस्जिद का अहदीस में कोई रेफरेंस उस तरह से नहीं मिलता, लेकिन जो ताइफ के पुराने लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये मकाम, ये जगह, ये मस्जिद, ये इलाका, ये गलियाँ इधर की वही हैं जो नबी पाक के दौर में थी। अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबको, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।